भैया कितना दूर है यहाँ से? बस अबे ये वाटरफॉल कितना चलाएगा भाई, रास्ता देख लो। जो थर्ड पॉइंट है वो हम लोग आए हैं यहाँ पे, यहाँ जो मंदिर है 200 मीटर दूरी पे। हाँ अच्छा, हनुमान जी की मूर्ति है, उसके बाजू में गुफा है। अच्छा, आप उसको देख के गुफा को गुप्त महादेव को देख के वापस आएंगे। आपको वापस आने के बाद इधरी से महादेव मंदिर देखना है, फिर अपन वापस चलेंगे। ठीक है चलेंगे। ओके, आगे आप नहीं जाइएगा, आगे चोलागढ़ का रास्ता है। ऊपर चोलागढ़ का रास्ता है, ठीक है। हनुमान जी की मूर्ति के बाद गुफा देख के वापस आइए। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये समझ लिया ना अंकल ने जो बोला वही हम भी करके आएंगे, हो सकेगा तो दिखा देंगे। देखो हमको ऊपर वाले में नहीं जाना है, नीचे वाले में जाना है, गुप्त महादेव। 200 मीटर पे महादेव की गुफा है, एक बार वो गुफा देख के हम लोग आएंगे, फिर ऊपर महादेव की मंदिर है, मंदिर भी देख लेंगे। तो पहले ये गुफा देख के आते हैं। सो ये हम आ गए, जैसे उन्होंने बताया हनुमान बजरंग बली के मंदिर यहाँ है, एंड बगल में ही गुफा है हनुमान जी का मंदिर, एंड ये गुफा है। लाइन लगी हुई है, लाइन के बाद हम जाएंगे अंदर, जाके आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो भाई पर्पस ये व्लॉग का ये कि जो नहीं आ सकते देख ले, एक्चुअली 8 लोग ही जा सकते हैं, तो और फोटो खींचना मना है, यहीं पे लिखा हुआ है। सो मैंने जो आप लोग को दिखाया वही है, अब अंदर जाएंगे, अपन अंदर जाके दिख के आते फिर बताता हूँ आपको। ये जो पॉइंट है ये जाने लायक पॉइंट है, एक्चुअली में एक्सपीरियंस है मेरे साथ, जाने लायक है, सबके साथ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जा सकते हो। अभी हम लोग बड़ा वाला जो महादेव का मंदिर है वहाँ जाएंगे, वहाँ का भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। ये अपना थर्ड पॉइंट है। देखो भाई पंचमढ़ी का पॉइंट्स मुझे आपको बताने ही थे, बट मोबाइल ने साथ नहीं दिया है और मेरे पास सिर्फ 10% बैटरी बची है और मुझे और 2 पॉइंट्स घूमने हैं। सो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगा, पॉइंट्स मैं दिखा नहीं सकता, बट मैं आप लोग को पॉइंट्स बता दूंगा एंड ऑफ द वीडियो पे। तो मुझे पॉइंट्स एंजॉय कर ले तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा जब हो जाएंगे सारी चीज़ें ख़त्म, और अगर मैं कहीं पर निकाल पाया किसी और के मोबाइल से तो वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। महादेव का मंदिर ये अगर आप लोग ने पंचमढ़ी में आके देखा, मतलब नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसे हमारे ड्राइवर साहब ने बोला। हम लोग सोच रहे थे स्किप करने का, बिकॉज हमारे पास वाटरफॉल देखने के लिए टाइम नहीं है, बट उन्होंने बोला कि ये जरूर आप लोग देखिए, वो अगर आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा। सो 2% बैटरी में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गुप्त महादेव आपने देख लिया, ये वाला मंदिर जरूर आइए, उसके बाद देखते हैं जो व्लॉग कर पाऊंगा करूंगा। नहीं यार ये जो अंदर का मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोग को दिखा दूंगा, ये जो पता नहीं ना, तो बैटरी डाउन हो गया। मैं बीच में जो बोल रहा था सारे फ्री इमोशंस ही मेरे लग गए, बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं इतना भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, बट पता नहीं महादेव के लिए मेरा ऐसा है कि मैं उनको रास्ते में भी कहीं देख लेता हूँ तो पता नहीं मैं अपने आप रुक जाता हूँ। एंड जो लोग लिटरली विश्वास करते हैं भगवान में सब में, उनकी फीलिंग ना मुझे आज जब मैं अंदर गया, आपने देखा होगा थोड़ा सा वो, मैं जब अंदर गया ना मैं ऐसे किसी के सर कहीं माथा नहीं टेका था अपना, बट पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि मैंने माथा टेका है, मैंने पैर पड़े हैं। मैंने मेरा स्टार्टिंग से है मैं किसी से कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, यहाँ पर भी मैंने कुछ मांगा नहीं, जो चीज़ था वो मेरा और उनके बीच में है। थोड़ा सा सोच रहा हूँ यार कि क्या था ये, क्या क्या फीलिंग थी मुझे नहीं समझ में आ रही। हो सकता है कि जो लोग रोज़ विश्वास करते हैं उनको ये फीलिंग हमेशा आती हो, मुझे जो आ जाई है मैं नहीं बोल सकता। मैं आभा से बात करूंगा इसके बारे में, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा महादेव एंड भगवानों में विश्वास रखती है। मैं उनसे ज़रा पूछूंगा एक बार कि आभा तुम्हें क्या फ़ील होता है, क्या यही फ़ील होता है जो मुझे फ़ील हुआ आज। देखते हैं, भावनाओं में नहीं ज़्यादा बहते, पता नहीं ये अच्छा शाओमी 5G, मुझे आइडिया नहीं है, बट इसकी कैमरा क्वालिटी क्या बाप है यार, मतलब वाइब्रेंट कलर और आवाज़ भी बहुत बढ़िया आ रही। माइक जो इनबिल्ट माइक है वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग हैं ऑफिस वाले जो ऊपर गए हैं, एक बार वो लोग आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ क्या था ऊपर, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है अभी। बड़ा महादेव की जो मंदिर से आया हूँ उसके बाद थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। आते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं, मतलब
बैठता हूँ वहाँ जाके, वो बेचारा अभी मन्नी अकेले बैठा हुआ है, उसके साथ जाके बैठता हूँ, समझता हूँ, इस फीलिंग को सोक इन करता हूँ। ओह सब प्लान कैंसिल हो चुका है, एक ही प्लान बचा है वाटरफॉल देखने का। तो पहले हम लोग आए हैं बेटा बावर्ची में खाने के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि पंचमढ़ी की सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट यही है, बहुत बड़ी रेस्टोरेंट है। तो एक बार घुसते हैं अंदर, खाना खाते हैं, फिर आपको वाटरफॉल दिखाएंगे। एक बार नॉनवेज में भूखे लग गए, परेशान हो जाएगा नॉनवेज का भूखे खत्म हो जाएगा सब लोग। एक्चुअली हम लोग एक बुफे में आ गए, वहीं पे खा रहे भाई, अच्छे से खाएंगे और फिर वाटरफॉल जाएंगे। तीसरा फोन लेके व्लॉगिंग स्टार्ट, क्योंकि डेडिकेशन नहीं, डेडिकेशन नहीं, बताना है ना। हाँ, बराबर, ये लोग की गलती थोड़ी है। आए हैं हम लोग बी वाटरफॉल, पता नहीं क्यों है, हमको पैदल चलना है 2.5 किलोमीटर, क्योंकि ये बंद होने का टाइम है। हमारे ड्राइवर जो अंकल थे जिन्होंने हमको गाड़ी दी थी, उन्होंने दिमाग दिया, उन्होंने हमारे लिए टिकट पहले ही ले ली। हम लोग खाना वाना खा के अब खाना पचा के जाएंगे वाटरफॉल के पास। सो ऑलमोस्ट पैदल हम सब लोग ने आधा रास्ता तय कर लिया है। अब बहुत सारी जिप्सी जो ऊपर जा रही थी वो हमें बोल रही थी कि नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है, नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है। सो हम लोगों ने सोचा अगर हम लोग जाते वक्त ज़्यादा परेशानी हुई तो आते वक्त हम लोग जो गवर्नमेंट की व्हीकल्स चलती है यहाँ से उसमें आ जाएंगे। हो 2.5 किलोमीटर मस्त चल के आए हैं, अब पानी लेंगे ठंडा वाला और आगे चल के आराम से बैठ के पियेंगे, ठंडा पानी है, निकलेंगे। भैया कितना दूर है यहाँ से? 450 सीटी बोल रहा हूँ, 450 सीढ़ी है बस। ओके सो ये एक छोटा सा वाटरफॉल जो डरते हैं उनके लिए, नहीं एक आगे भी है, बोल रहे उधर मजा ज्यादा है, तो दूसरे वाले में जाएंगे। ये ब्रिज क्रॉस करके, तो ब्रिज क्रॉस करके ये देखो एक छोटा सा बी वाटरफॉल, ये एक है। अब बी वाटरफॉल क्यों बोलते हैं मुझे नहीं हल, वहाँ एक वाटरफॉल है पीछे और एक वाटरफॉल आगे है, एंड मजा बोल रहे हैं कि वो वाले वाटरफॉल में। तो इतना जब हम चल के आए हैं तो वाले वाटरफॉल में जरूर जाएंगे। अबे ये वाटरफॉल कितना चलाएगा बे, रास्ता देख लो, हालत टाइट हो गई। अब यार ऊपर तो जिप्सी से ही जाएंगे भाई, अब तो यहाँ से नहीं मिलेगा जिप्सी, मिल जाएगा, जो लोग आते हैं वही जाते हैं। नहीं 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 मिल जाएगी भाई, ये तो अबे बहुत नीचे है बे भाई। भाई रास्ता देख लो, ये पीछे से पूरा चल के यहाँ तक जाना है, और लोग बोल रहे हैं मज़ा इसी फॉल में है। अभी बहुत है यार रास्ता, नीचे भी और है, मेरे को वहाँ पे वाटरफॉल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं क्या मालूम, और मुझे दिख रहा है। और ये वाटरफॉल आप लोग देख रहे हो, फुल धबाधब पानी गिर रहे, पब्लिक चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, देखते हैं कहाँ पे क्या मज़ा आ सकता है। हाँ भाई पसीना देख लो, ये वाटरफॉल के लिए हम लोग इतना चल के अब 450 अब ये उतरे हैं, अब हमको चढ़ना भी है ना भाई, अब हमको जल्दी निकलना पड़ेगा अंधेरा होने से पहले, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। भाई अगला दिन है, और गले से समझ ही सकते हो कि क्या हालत है ये। हम लोग जो वाटरफॉल गए थे जहाँ पे मेरी बैटरी डेड हो गई थी, कुछ वीडियोस बनाए हैं उसमें हम लोगों ने इतना चिल्लाया कि सबके गले की वाट लग गई है, तो और ब्लॉग भी बहुत बड़ा बन गया है। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि क्या अच्छा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।